हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्केट जैसे समोसे की रेसिपी। बाहर का समोसा खाना सभी को पसंद है, और वो भी इसलिए क्योंकि बाहर का समोसा बहुत क्रिस्पी होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगी कैसे आप समोसे को क्रिस्पी रख सकते हैं बहुत घंटों तक के लिए। समोसे का डो बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, और 70 ml मैंने घी और रिफाइंड को मिक्स करके लिया है। समोसे की स्टफिंग के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है, फ्रोजन मटर मैंने लिया है 1/2 कप, 3 टेबल स्पून मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है, 1 हरी मिर्च ली है मैंने, और 5 उबले हुए आलू मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के। मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है स्टफिंग में डालने के लिए। मैंने इतना मसाला लिया है और पनीर लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा और कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो चलिए पहले आटे का डो लगा लेते हैं। नमक और अजवाइन डालकर मैं अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद इसमें घी और रिफाइंड का मिक्सचर डालूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी लिया है, बाकी मैंने सारा रिफाइंड लिया है। क्रिस्पी अच्छा होता है मैं इस और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए मैंने घी और रिफाइंड को मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं सिर्फ, और वनस्पति घी भी ले सकते हैं, वो आपके टेस्ट और इच्छा के अनुसार है। समोसे के आटे को बनाने के लिए हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, गर्म ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गर्म करेंगे और उसी से हम आटा लगाएंगे, और एकदम हल्का हल्का पानी डालेंगे और थोड़ा कड़ा डो तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके का, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें बेलते समय वो सिकुड़ जाएगा। आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। मैं सबसे पहले पनीर को फ्राई करके निकाल लूँगी। मैदे का डो लगाकर ही हम स्टफिंग तैयार करेंगे ताकि हमारा मैदा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए पनीर तैयार हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। बची हुई रिफाइंड में अदरक और मिर्च पहले डालेंगे, फिर मैं इसमें फ्रोजन मटर को डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च और धनिया का पाउडर डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें इस तरीके से टुकड़ों में करना है, ना ही हम इसे मैश करेंगे ना ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। मैंने आलू की स्टफिंग बनाते समय हल्दी का प्रयोग नहीं किया क्योंकि मार्केट में हल्दी नहीं डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आलू को हमें इसी तरीके से टुकड़ों में कर देना है, और उसके बाद आलू को 7-8 मिनट तक हमें फ्राई करना है। आलू में बिल्कुल भी नमी नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो हमारा समोसा बाद में मुलायम हो जाएगा बनने के बाद। अब इसमें नमक और बाकी बचे हुए सारे मसालों को डाल देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे 5-6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें पनीर और धनिया डाल दिया है, और 1 मिनट तक अभी इसे मिक्स करके और हम गैस बंद कर देंगे। हमारा समोसे का स्टफिंग तैयार हो चुका है। मैदे को मैंने एक बार और मिक्स कर लिया है, और अब इसका बॉल बनाकर हम समोसा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें करना है, देखिए इतना पतला करना है, एकदम पतला भी नहीं करना है, तो हल्का हल्का मोटा ही रखना है, और देखिए इस तरीके से काटेंगे हाफ। मैंने 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच मैदे को डालकर अच्छी तरीके से घोल लिया है ताकि मैं समोसे को इस तरीके से चिपका सकूं। मैदे और पानी के इस घोल से जब मैं समोसे को चिपकाऊंगी तो ये तेल में जाकर जब तलूंगी तो खुलेगा नहीं। मैं इसी तरीके से सारा समोसा तैयार कर लूंगी। जब सारा समोसा इस तरीके से भरकर मैं तैयार कर लूंगी तो 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी, 1 घंटे बाद ही मैं इसे तलूंगी।
आपने देखा होगा मार्केट में भी जो समोसा बनाते हैं वो समोसा इस तरीके से भरकर थोड़ी देर के लिए छोड़े होते हैं। इससे ऊपरी लेयर थोड़ा हार्ड हो जाता है और समोसा काफ़ी क्रिस्पी होता है और बाद में भी क्रिस्पी रहता है। इसीलिए मैं भी 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, साइड में भी कहीं रख सकते हैं किचन में। देखिए इसी तरीके से मैं अब सारा समोसा तैयार कर लूँगी। समोसा जब बेलेंगे तो इसका लेयर बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितना इसको मोटा रखा है, ना मोटा है ना बहुत पतला है। समोसा बनाते समय हम 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा भी समोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा और काफ़ी देर तक कुरकुरा रहेगा भी। मैदे का डो बनाते समय हमें हल्का गर्म पानी का यूज़ करना है, बहुत हल्का होना चाहिए गर्म। आटा ज़्यादा हार्ड नहीं करना है और गीला तो बिल्कुल नहीं होने देना है। मैदे का डो लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक उसे सेट होने के लिए छोड़ देना है। देखिए मैंने सारा समोसा तैयार कर लिया है, अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद ही मैं अब तलूंगी। देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गर्म हो चुका है तेल, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। लो फ्लेम पे ही हमें समोसों को तलना है, सारे टाइम लो ही रखना है, क्योंकि अगर हम धीमी आंच पे इसे तलेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी होगा और क्रिस्पी रहेगा भी। आप चाहें तो लास्ट में इसे सुनहरा करने के लिए थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे टाइम शुरू से आप इसे लो फ्लेम पे ही तलेंगे। देखिए कितना सुनहरा हो चुका है हमारा समोसा। अब मैं बाकी बचे हुए सारे समोसों को तल लूँगी। आपने देखा मेरे किसी भी समोसों पे बबल नहीं आ रहे हैं और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है, एक भी बबल नहीं है इसके ऊपर। अब मैं काट कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। आप भी समोसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।